रोड रेज की कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंचे आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ ओडिशा में पुलिस की क्रूरता का केस सामने आया है। महिला ने प्रताड़ना की जो आपबीती बताई है वह हैरान कर देने वाली है। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने पुलिस पर न सिर्फ हाथ पैर बांधकर पीटने का आरोप लगाया है बल्कि पैंट उतारने, प्राइवेट पार्ट दिखाने और रेप की धमकी देने जैसे संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का है। पुलिस की क्रूरता झेलने वाले आर्मी ऑफिसर सिख रेजिमेंट का हिस्सा है। सुनिए महिला ने क्या कहा। या पेट्रोल भेजे या कुछ करे, उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा केक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया। कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। मैम अभी से वो ठीक हो जाएंगे।